मृत्यु के बाद क्या होता है कोई नहीं जानता, और शायद हम कभी जान भी नहीं पाएंगे। कुछ लोग मानते हैं कि मृत्यु के बाद भी एक जीवन है जिसे लोग आफ्टर लाइफ कहते हैं, और उस समय भी मनुष्य की कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना जीवित रहती है। लेकिन कुछ ये भी मानते हैं कि मृत्यु के बाद सब कुछ खाली, सब कुछ अंधेरा रहता है। लेकिन एक सवाल इससे भी ज्यादा बड़ा है कि मृत्यु के कुछ पल बाद लोगों का क्या होता है, यानी कि उनके मस्तिष्क में क्या चल रहा होता है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी सीक्रेट के बारे में बताऊंगा, किसी धार्मिक मान्यता के हिसाब से नहीं बल्कि साइंस के बेसिस पर। तो चलिए जानते हैं जीवन के सबसे बड़े रहस्य को। इतिहास में जब साइंस और टेक्नोलॉजी उतने डेवलप नहीं हुए थे, लोग ऐसा मानते थे कि हार्ट बीट रुकने के बाद शरीर की सारी प्रक्रियाएं रुक जाती हैं। लेकिन आज के समय में रिसर्चर्स ने ऐसा पाया है कि हार्ट बीट रुकने के 30 सेकंड के भीतर ब्रेन बहुत सारे केमिकल्स को रिलीज करता है, जो कि ब्रेन की एक्टिविटीज को और ज्यादा तेज कर देते हैं। और उन केमिकल्स के कारण मरने के कुछ समय बाद लोगों को बहुत सारी अजीब अजीब चीजें दिखाई देती हैं, जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती, और ये लगभग 4 से 7 मिनट तक होता है। अगर आसान भाषा में बोले तो लोगों को ऐसा लगता है कि वो अभी मरे नहीं हैं, वो जीवित की तरह घूमते रहते हैं इधर उधर, लेकिन वो खुद को एक बहुत ही अजीब सी जादुई दुनिया में पाते हैं, जिसे आम भाषा में लोग आत्माओं की दुनिया कहते हैं। कुछ समय पहले रिसर्चर्स ने चूहों पर एक स्टडी की थी, जिसमें उन्होंने देखा कि हार्ट बीट सीधे सीधे जीरो पे नहीं पहुंचता है, उसके बहुत सारे फेजेस होते हैं, और उन फेजेस के दौरान लोगों को बहुत ही अजीब अजीब चीजें दिखाई देती हैं, जिसे ह्यूमन के सेंस में नियर डेथ एक्सपीरियंस कहा जाता है। आज तक विश्व के बहुत सारे लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंस का दावा किया है। इस एक्सपीरियंस के दौरान लोगों को लगता है कि उनकी आत्मा शरीर से बाहर निकल के कहीं दूसरी ओर जा रही है। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे केसेस में लोगों का दावा है कि उन्होंने खुद को लेटे हुए देखा है। आप यहाँ सोच रहे होंगे कि ये कोई जीते जी एक्सपीरियंस क्यों नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों एक एनेस्थेटिक है जिसका नाम है केटामीन, जिसे लेके लोगों को जीते जी नियर डेथ एक्सपीरियंस का अनुभव हो सकता है। अगर आसान भाषा में बोले तो नियर डेथ एक्सपीरियंस वो समय है जब हमारा मस्तिष्क मृत्यु से पहले और ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है, और विश्व के बहुत सारे लोग उस सिचुएशन से भी लौटकर वापस आ जाते हैं, जिसके बाद वो अपनी कहानी सुनाते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि वो आत्माओं के साथ थे। लेकिन इतना जान लेने के बावजूद भी हमें ये नहीं पता चल सका है कि इस जर्नी के बाद क्या होता है। क्या सच में कोई आत्माओं की दुनिया है, या ये सिर्फ हमारा भ्रम है, और शायद ये हमेशा एक मिस्ट्री ही बन के रहेगा। तो दोस्तों, भविष्य में और ऐसी रहस्य और रोचक कहानियों को सुनने के लिए नॉलेज भूमि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक और ऐसे ही वीडियो के साथ हम जल्द मिलेंगे।